इस कुरकुरी और टेस्टी चिप्स का मज़ा आप भी उठा सकते हैं। बस मेरे इस तरीके से आप इसे बना के एयरटाइट कंटेनर में रखें और साल भर मज़ा उठाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस चिप्स को आप धूप में सुखा के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में एक दो बार धूप दिखा दें तो वो बिल्कुल ही सही रहेगा। तो यहाँ मैंने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उसे छील के ठंडे पानी में भिगा के रख दिया है कम से कम 15 मिनट के लिए। अब चिप्स कटर से इसे चिप्स के शेप देंगे, कट करेंगे। देखिए इस तरह से ये कट जाएगा। सारी चिप्स काट लेंगे और उसे पानी में ही भिगा के रखेंगे। आलू को चूज़ करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आलू हरे और लाल ना हो, नहीं तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब निकलेगा और चिप्स अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल साफ़ सफ़ेद आलू ही इस्तेमाल करें। सारे चिप्स को मैंने कट कर लिया है। अब एक बार इस पानी को मैं हटा लूँगी और फिर इसमें दूसरा पानी डालूँगी। मैंने एक बार पानी निकाल के इसे अच्छे से धो लिया है और देखिए कितने शानदार चिप्स तैयार हुए हैं। अब इसे मैं उबालूंगी। एक पतीली में आधा पतीली पानी उबालने के लिए रखेंगे। पानी अच्छी तरह से खौल गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून फिटकरी डालेंगे। फिटकरी डाल के आधा मिनट के लिए इसे उबलने देंगे ताकि फिटकरी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। अब इसमें आलू को छान के डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दिया है कि हाथ पे ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, थोड़ा हिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है। बस थोड़ा ही उबाल आते ही आप इसे छान के निकाल लें। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है कि चिप्स गल जाए। चिप्स को एक स्ट्रेनर में निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से सारी चिप्स को उबालेंगे। मैं पानी अलग अलग यूज़ नहीं कर रही, उसी पानी में मैंने दूसरी चिप्स भी उबलने के लिए डाली है। इसे भी निकाल लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे। चिप्स को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अभी बहुत ही गर्म है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और उस पर इस तरह से चिप्स को अलग अलग करके फैलाएंगे। अगर आप कपड़े पे इसे डालेंगे तो कपड़े में चिप्स चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं, तो इसलिए प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करें। इस तरह से चिप्स को धूप में सूखने के लिए रखेंगे। उसके ऊपर मैं एक जाली का कपड़ा डाल दूंगी ताकि इसमें मक्खी ना लगे। इस तरह से, और इसे डायरेक्ट धूप में सूखने के लिए रखूंगी। 3 से 4 दिन में ये सूख के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक
एक बात का और ध्यान रखना है कि धूप काफ़ी तेज़ हो, हल्की धूप में चिप्स काली पड़ जाएगी और सड़ जाएगी और उसमें से बदबू आने लगेगी। इसलिए जब धूप बहुत तेज़ हो तभी चिप्स को सुखाने का प्रोग्राम बनाएं। तीन दिन धूप में रखने के बाद से चिप्स बिल्कुल सूख के तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल किस तरह से आवाज़ आ रही है इसमें से। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें कुछ चिप्स डालेंगे, लाएंगे और देखिए चिप्स फ्राई हो गया। चिप्स फ्राई हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि इसमें मैंने पहले नमक नहीं डाला हुआ है, इसलिए इस पर नमक डाल के ही सर्व करें और थोड़ी काली मिर्च। ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल कुरकुरी तैयार हुई है। इस चिप्स को बना के आप एयरटाइट कंटेनर में रखें और जब भी आपका दिल चाहे फ्राई करें, खाएं, बच्चों को दें और मेहमानों के सामने भी सर्व करें, बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको आलू की चिप्स बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।